जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो ऊपर से बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े मोतबर, बड़े अलग लगते हैं, लेकिन अंदर से इंतहाई डरपोक हैं, फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं, छुपते फिरते हैं। ऐसे लोगों को नार्सिस्ट कहते हैं। मैं कुछ बातें ऐसे करूँगा जो आपको एक शक्ल बताएंगी, एक पर्सनैलिटी बताएंगी, और आप खुद से खुद का तज़किया कर सकेंगे, खुद से पूछ सकेंगे कहीं आपके साथ भी ऐसा मसला तो नहीं है, और अगर है तो इन गाइडलाइंस की रोशनी में आप अपने आप को शांत अपने दुरुस्त कर सकेंगे। मेरा नाम अकमल है और मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अंग्रेज़ी पढ़ाने की वजह से मेरा नाम अकमल अंग्रेज़ी वाला पड़ गया है। आप मुझे अकमल अंग्रेज़ी वाला लिख के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरनेट पर आजकल बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनके नाम के साथ एक वर्ड कॉमन मुझे मिलता है, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो बिल्कुल वेले फिर रहे हैं, लेकिन वो अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर लगाते हैं। वो बेकार हैं, उनको धंधा कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये है नार्सिस्ट, यानी रियलिटी से आँख चुराने की कोशिश है। हाँ, किसी हद तक मैं खुद भी कहता हूँ कि आप जो पॉजिटिव साइड पर नज़र रखें, पॉजिटिव नाइस साइड पर फोकस रखें, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन आपको रियलिटी को इग्नोर नहीं करना, रियलिटी को भी सेन में रखना है। आप कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, आप पुरउम्मीद नज़र आएँ, आपकी चाल और ढाल में बड़ा रमक हो, सही बात है, लेकिन आप खुद के लेवल पर, अपने इंटरनल लेवल पर कॉन्स्टेंट फाइट पर रहें अपने आप की उस कमज़ोरी के साथ, अपनी वीकनेस के साथ, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर किसी को पता चल जाए तो ये ज़ाहरी जो वज़ाकत है इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, अगर मेरी जो अंदर का डर है लोगों को पता चल जाएंगे, तो उनके साथ लगातार फाइट करते रहेंगे। मैं अक्सर तौर पर जो है वो लोगों को सुनने देखने को सुनता हूँ, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहने से घर की जो भूख है उसका भी इलाज करना है, वो ज़िम्मेदारी है घर के मर्द हैं। आप कहते हैं कि बच्चे जो हैं और औरतें जो हैं वो गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, मर्द नहीं हो सकते। मर्दों को पहले, ठीक है, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले जो अच्छाई है, जो खैर है, वो घर पर शुरू होती है, अपने घर पर। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जिनका नानो नफका आपके सर पर है, आपके ज़िम्मे है, अपनी मेहनत करें, कॉन्स्टेंट मेहनत करें। आपको कोई पब्लिक इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई मरतबा ये होता है कि हम सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए सारा घर बेच देते हैं, ठीक है। आजकल मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि बड़े बड़े मोबाइल और बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल जो है वो शो ऑफ है, ठीक है, आपके पास अफोर्ड करते तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर किड्स। जो एजुकेशन है वो आप इग्नोर कर दें, बच्चों की जो ग्रूमिंग है उसको आप इग्नोर कर दें, जो घर के जो मामलात हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको आप पसे पुश डाल के आप सिर्फ पब्लिक इमेज अपना मेनटेन करें। ज़ाहरी तौर पर आप लगते हैं कि यू आर वेरी गुड, बट अंदर से खोखले हैं, तो ये नार्सिज्म है, नरगसियत है, यानी हकीकत से नज़र चुराना, हकीकत से बस कहना ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी बात है ये कहना। साबिर और शाकिर होना चाहिए, साबिर और शाकिर हों भी सही, लेकिन जो आपके ज़िम्मे काम है, जो आपके ज़िम्मे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, उनको भरपूर तरीके से, एहसन तरीके से अपना तन मन धन लगा के उनको पूरा करना सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है। वो पूरे कर लेंगे तो आपको कहीं शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो अंदर से मजबूत होता है उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कंपोज्ड नज़र आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो अंदर से कंपोज्ड होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई सोशल स्टेटस की उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके पास चीज़ें ऐसी हैं, उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, वेल ऑफ होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उन्हीं शख्सियात में आते हैं कि जो ज़ाहरी तौर पर लगते हैं कि वाह वेरी गुड, ज़बरदस्त मौजें, ठीक है, लेकिन असल में अंदर से आपको पता है आप बड़े खौफज़दा हैं, बड़े परेशान हैं, बस चेहरे पर मुस्कुराहटें रखते हैं और अंदर से परेशान हैं। ठीक है, किसी हद तक, किसी हद तक, किसी अरसे तक ये बात ठीक है, लेकिन उन एरियाज़ पर काम करें, अपने वीकनेसेस को नोट करें कि कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी जगहों पर आप मार खा रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढें, कोई गुरु ढूंढें, कोई राहबर ढूंढें, मशवरा करें, कंसल्ट करें, एजुकेशन लें, स्किल सेट लें, समझें और अपनी उन कमज़ोरियों पर काबू पाएं, तो फिर आपको ज़ाहरी वज़ाकता मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद हो जाएगी। जो अंदर से मजबूत है उसे बाहर से मजबूत नज़र आने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है।
ठीक है, वैसे तो आप हर तरह से ही मजबूत होने चाहिए, वेल कंपोज होने चाहिए। तो ये कुछ एरियाज हैं जो अक्सर तौर पर मुझे इंटरनेट पर हर रोज़ ये मामला पड़ता है कि लोग बड़ा ऐसा नजर आना शाह चाहते हैं लेकिन उनकी रियल पिक्चर जो है वो वैसी नहीं है। रियल पिक्चर दुरुस्त करें, ठीक है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरे साथ और आपके अपने साथ जिम्मेदारी है। देन वी विल बी एबल टू कंपोज आर सेल्व्स एंड बाय कंपोजिंग आर सेल्व्स वी विल कंपोज अ बेटर कंट्री, मजबूत पाकिस्तान, प्रॉस्परस पाकिस्तान। ठीक है, वतन से मोहब्बत भी करें, अपने साथ पहले मैं अपने साथ मोहब्बत करें, पहले अपने आप को कंपोज करें, फिर वतन के साथ मोहब्बत करें। आपकी अपने साथ मोहब्बत जो है, आपकी अपने साथ जो कमिटमेंट है, आपकी अपना कामयाब होना जो है वो आपके मुल्क का कामयाब होना। मुल्क क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, मैनी पीपल, वेन दे आर सक्सेसफुल इट बिकम्स अ सक्सेसफुल कंट्री। तो आप अपने लेवल की जिम्मेदारी अपने आप को खड़ा करके और मजबूत करके पूरी कीजिए। ये जो मैंने सारी बातें की हैं इनमें से कई आपको लगता है कि वो जो आपकी कमजोरियां हैं, जहां पर आप वीकनेस का शिकार हैं, आप पीछे हट रह गए हैं, आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं काम आ सकता हूँ, हमारी वेबसाइट पर जो कोर्सेज हैं आपको वहाँ वो कहीं तक का हद तक हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको, तो हेसिटेट नॉट, कॉन्टैक्ट अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। आप अकमल अंग्रेज़ी वाला लिख के इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मेरे नंबर्स, मेरे रबते, मेरे साथ जुड़ने का तरीका, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गो हैड एंड डू वट एवर यू डू। किसी और से सीखने को मिलता है, किसी और से हेल्प मिलती है, लीजिए, लेकिन लीजिए, कीजिए, कर गुजरिए, कर गुजर, कर गुजर। तो जब आप ये कर गुजरेंगे तो आपके अंदर वो जो एतमाद है वो खुद ब खुद आ जाएगा। हम तो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये तब तक नहीं होगा जब उन कमजोरियों पर, उन वीकनेसेस पर जिनसे परेशान हैं हम, उन पर काबू नहीं पाएंगे, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। मेरे कहने से तो नहीं होना ना कॉन्फिडेंट किसी ने, ये किसी और के, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में आके आप थोड़ी देर के लिए बड़े वाओ इमोशनली फील करते हैं, स्ट्रांग, बट जब आप वो उसका असर हटता है तो आप फिर परेशान होते हैं। अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, यू विल बिकम यू। ठीक है, आप अपने आप से मोहब्बत, अपने आप के साथ भरोसा, अपने साथ, अपने ज़ात के साथ मान, ये सब कुछ आ जाएगा। कीजिए, और अगर आपको लगे कि मैं कहीं हेल्प कर सकता हूँ, रीच आउट टू मी। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए। आपको क्या लगता है, मेरी बात पसंद आई, मेरी बात बुरी लगी, दोनों सूरतों में मुझे कमेंट कीजिएगा। किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप वो टॉपिक्स भी मुझे बताइएगा। जहां देख रहे थे मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टाटा।